अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भोजपुरी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव से हाजीपुर गैंगरेप को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो इस पर उन्होंने घटना से अपने को अनजान बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। वहीं तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की मजबूती की बात कही और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार ने हमेशा बीजेपी को चुनौती दी, महज चंद लोग देश को चला रहे हैं, बाकी किसान मजदूर और नौजवान सब परेशान हैं। अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भोजपुरी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव से हाजीपुर गैंगरेप को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो इस पर उन्होंने घटना से अपने को अनजान बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। वहीं तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की मजबूती की बात कही और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार ने हमेशा बीजेपी को चुनौती दी, महज चंद लोग देश को चला रहे हैं, बाकी किसान मजदूर और नौजवान सब परेशान हैं। अपने एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भोजपुरी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव से हाजीपुर गैंगरेप को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो इस पर उन्होंने घटना से अपने को अनजान बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। वहीं तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की मजबूती की बात कही और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार ने हमेशा बीजेपी को चुनौती दी, महज चंद लोग देश को चला रहे हैं, बाकी किसान मजदूर और नौजवान सब परेशान हैं।